वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेक्चर 3 पर। तो हमने सीखा हुआ है कि फिक्रे के पहले हिस्से में जबकि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो तो हम टेंस की तब्दीली नहीं करते, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल हो तो फिर भी हम टेंस तब्दील नहीं करते। आइए देखते हैं वो जगह कौन सी हैं। जैसे ही सेट गॉड इज वन, अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी गॉड वाज वन नहीं हम कर सकते, वो कल नहीं आज भी एक ही और हमेशा एक ही रहेगा, लिहाजा इस सच्चाई को झुटलाना ठीक नहीं, हम इसको सेम रहने देंगे, सिर्फ दैट का इजाफा करेंगे, ही सेट दैट गॉड इज वन। फिर देखिए द स्पीकर सेट मैन इज अ सुपर क्रिएचर, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, लिहाजा हम यहां भी सिर्फ कॉमे हटाकर दैट लगा देंगे, आपका फिक्रा बन जाएगा। द राइटर सेड ब्यूटी लाइज इन वीवर्स आइज, कोटेशन है ये, हम इसको भी तब्दील नहीं करेंगे, इसको भी सिर्फ दैट का इजाफा करके बना देंगे। द टीचर सेड नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट्स, ये भी कोटेशन है, हम करेंगे द टीचर सेड दैट नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट्स, सिर्फ दैट के इजाफे से हम जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चले जाएंगे। मिस्टर काजी सेट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक थ्योरी है कि जमीन जो है वो सूरज के इर्द घूमती है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। शी सेट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन देयर ओन ऑर्बिट्स, ये भी थ्योरी है। आई सेट गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, ये एक प्रोवर्ब है, यानी खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे, यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो ये बनेगा आई सेट दैट गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, सिर्फ और सिर्फ दैट का इजाफा करेंगे। यू सेट हु लिसन्स टू साउंड ऑफ विल्डरनेस, वीराने की आवाज कौन सुनता है, ये भी प्रोवर्ब है, तो यहां भी हम सिर्फ दैट का इजाफा करेंगे। सो हमने सीखा कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोटेशन हो, थ्योरी हो या प्रोवर्ब हो, तो ऐसी चार सूरतों में जबकि फिक्रात आपके सामने हो तो फिक्रे के पहले हिस्से में अगर पास्ट भी हो, सेकंड फॉर्म भी हो, फिर भी हम जो है वो टेंस की तब्दीली नहीं करते। स्टूडेंट्स, हम अब सीखते हैं कि हमने फॉर्म जो है वो कैसे तब्दील करनी है। हमने अभी तक यही सीखा है कि फॉर्म तब्दील नहीं होती, फिक्रे के पहले हिस्से में जो है वो पहली फॉर्म लगी हुई हो तो हम फॉर्म तब्दील नहीं करते, दूसरी भी लगी हो तो किन केसेस में हम फॉर्म जो है वो तब्दील नहीं करते, लेकिन तब्दील कहाँ करते हैं आज हम वो सीखते हैं। हमारे आज का फार्मूले का नाम है वन स्टेप अहेड, यानी एक दर्जा आगे, तो ओ एस ए आप इसको कह सकते हैं मुख्तसर तौर पर, यानी हम फॉर्म को एक दर्जा आगे लेकर जाएंगे। हम एक ही एग्जांपल से सिखाने की कोशिश करते हैं। ही सेड आई रिंग द बेल, देखिए रिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, हमने इसको फर्स्ट से सेकंड में लेके जाना है, यानी एक दर्जा आगे जाएंगे। ही सेड दैट ही रैंग द बेल, फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कर दिया और रिंग को रैंग बना दिया। ही सेड आई रैंग द बेल, अब जबकि सेकंड फॉर्म लगी हुई तो हम थर्ड में जाएंगे। ही सेड दैट ही हैड रंग द बेल, अब रैंग को रंग तो हमने बना दिया लेकिन जो रंग है यानी थर्ड फॉर्म है कभी भी हैज हैव हैड के बगैर इस्तेमाल नहीं होती, लिहाजा हमें हैड लगाना पड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि हैज और हैव क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पीछे जो था वो पास था इसलिए हमने हैड लगाया। ही सेड आई हैव रंग द बेल, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो जैसे हम फर्स्ट को सेकंड में और सेकंड को थर्ड में ले जा रहे थे तो क्या थर्ड को फोर्थ में ले जाएंगे, नो हम इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही हैड, तो हैज और हैव को हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे हैड, क्योंकि रंग तो ऑलरेडी जो है वो थर्ड फॉर्म है। ही सेड आई एम रिंगिंग द बेल, अब रिंग के साथ आई एन जी लगी हुई है तो आई एन जी वाली किसी भी फॉर्म की सेकंड फॉर्म तो नहीं बनती, लिहाजा हम यहां भी एम को चेंज करके सेकंड जो है वो स्टेप में ले जाएंगे, अगले स्टेप में ले जाएंगे, यानी वन स्टेप अहेड, तो एम को हम वाज में ले जाएंगे, दैट ही वाज रिंगिंग द बेल। ही सेड ही वाज रिंगिंग द बेल, अब अगर वाज ऑलरेडी लगा हुआ हो तो फिर हम क्या करेंगे, ही सेड दैट ही हैड बीन रिंगिंग द बेल, तो यहां फिर हमने जो है वो रिंगिंग वाज जो है उसकी अगली हालत यानी बिल, याद रखिए बी पहली हालत होती है, वाज दूसरी और बिल जो है वो तीसरी, और इसके साथ हमने हैड लगाया। ही सेड आई शैल बी रिंगिंग द बेल,
अब अगर आई शैल लगा हुआ है, ही सेड दैट ही वुड, आई के साथ तो शैल लग गया है लेकिन यहां पर शुड नहीं क्योंकि ही के साथ विल लगता है, लिहाजा हमने विल का अगला दर्जा वुड इस्तेमाल किया, ही वुड बी रिंगिंग द बेल। तो वन स्टेप एट फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, अगर फॉर्म चेंज करने का मार्जिन है तो हम फॉर्म को अगले दर्जे में ले जाते हैं, नहीं तो हम हेल्पिंग वर्ब को अगले दर्जे में ले जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम कुछ और मिसालें देखते हैं। अफशां सेड दे विल वेट फॉर अस, अब विल को हम अगली स्टेट में ले जाएंगे अगले दर्जे में, यानी वन स्टेप अहेड में एक दर्जा आगे लेके जाएंगे, तो विल जो है वो वुड बन जाएगा। अफशां सेड दैट दे वुड वेट फॉर देम, ही सेड आई होप यू विल नेवर रिपीट दिस मिस्टेक, यहां भी हम विल को जो है वो अगली फॉर्म में यानी वुड में ले जाएंगे। ही सेड ही कैन स्विम वेल, तो हम कैन को अगली स्टेट यानी कुड में ले जाएंगे। ही सेड दैट ही कुड स्विम वेल, शी सेड यू मे फाइंड हर इन द गार्डन, हम मे को अगली स्टेट में लेके जाएंगे। शी सेड दैट आई माइट फाइंड हर इन द गार्डन, हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के जरिए से सीखने की कोशिश की है कि हम किस तरह से फॉर्म को या फिर हेल्पिंग वर्ब को यानी वर्ब को या फिर हेल्पिंग वर्ब को अगली स्टेट यानी अगले दर्जे में लेके जाते हैं वन स्टेप अहेड फार्मूला के तहत। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट हम सेंटेंसेस वाइज आपको जो है वो सिखाएंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से जो है वो उनमें तब्दीलियाँ आती हैं और उनके क्या रूल्स हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।